झांसी समाज सेवा के क्षेत्र में झांसी जनपद सहित पूरे बुंदेलखंड में एक नाम पिछले दो वर्षों में उभर कर आया है, जिसने समाज को समाज सेवा का सही अर्थ समझाया। इनकी समाज सेवा की ख्याति विदेश तक पहुंची। इनके कार्यों को देखते हुए रॉयल अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। गरीब परिवार में जन्मे संदीप सरावगी ने जब बचपन में खुद को असहाय पाया तो प्रण लिया कि जब दूसरों की सहायता योग्य हो जाऊंगा तो हर कमजोर के लिए भाई और बेटे के रूप में उपलब्ध रहूंगा। समाज सेवा का ऐसा जुनून कि दिन रात की चिंता न करते हुए हर वर्ग का सहयोग किया, लेकिन बढ़ती ख्याति को देखते हुए कुछ लोगों को समस्या भी हुई। संदीप के खिलाफ कुचक्र रचना शुरू कर दिया। समाज सेवी संदीप सरावगी ने वर्ष 2020 में मौजागढ़िया गांव तहसील व जिला झांसी में एक कृषकीय भूमि क्रय की थी, जिस पर निवर्तमान मूल्यांकन के आधार पर स्टाम्प शुल्क अदा किया। उस समय उक्त क्षेत्र में कोई आवासीय गतिविधियां नहीं थी, यथा स्थिति में 5 माह पश्चात भूमि बेच भी दी। विरोधियों ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर कृषि भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी की जगह आवासीय भूमि के स्टाम्प अवैध रूप से आरोपित करा दी। इसके अतिरिक्त 705 वर्ग मीटर की जगह 7050 वर्ग मीटर के मूल्यांकन के आधार पर 10 गुनी स्टाम्प ड्यूटी आरोपित कर दी। जब अधिकारियों को इस प्रकरण के संबंध में अवगत कराया गया तो उन्होंने कहा, ऊपर से दबाव है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। संदीप पर 31,32,080 रुपए की वसूली आरोपित कर वारंट जारी कर दिए गए। कुछ समय बाद कुर्की के आदेश का नोटिस भी भेज दिया गया, लेकिन संदीप पीछे नहीं हटे और उच्च अधिकारियों को पत्राचार कर अपनी समस्या से अवगत कराते रहे। अधिकारियों को यह बात नागवार गुजरी तो सामाजिक छवि को धूमिल करने हेतु समाचार पत्रों एवं अन्य समाचार संस्थानों में विरोध में समाचार प्रकाशित कराए गए। समाचार पत्रों में यह खबर देखकर जनता में आक्रोश व्याप्त हो गया। दिनांक 29 अक्टूबर 2022 को भारी संख्या में जन सैलाब तहसील परिसर में एकत्रित हुए, जिसमें व्यापारी संगठन, संत समाज, समाजसेवी संगठन, हिंदूवादी संगठन, आदिवासी समाज सहित दर्जनों संगठन उपस्थित रहे, जहां सभी ने एक सुर में संदीप सरावगी का समर्थन करते हुए अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन अपर मंडलायुक्त प्रशासन को सौंपा। अंसार हुसैन की रिपोर्ट। कैसे कर सकता है, ते पढ़े लिखे हमारे तहसीलदार साहब जिनके यहाँ सैकड़ों की रिकवरी है, लेकिन सिर्फ संदीप सरावगी को टारगेट करने के बाद जिनकी समाज सेवा खत्म हो जाए, जे बंद हो जाए समाज सेवा में, उन्होंने हमारी बाट दी। लेकिन हम उनसे सिर्फ इतना तो पूछना चाहते हैं कि जिस सरकार में माननीय अपने मोदी जी के रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए, हम लोग उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे में ये 3-4 तथित कथित लोग, एडीएम साहब, हमारे तहसीलदार साहब क्या चाहते हैं? हमारी जिंदगी खराब करना, हमारा शोषण करना, हमारी मौत चाहते हैं, क्या चाहते हैं? 3 दिन तक हमारा जो खाना नहीं बना, मम्मी पापा रोए, उसके लिए मैंने आज झांसी वासियों से कहा था कि हमें ज्ञापन देना करना, जिसमें हमारे गुरुदेव, हमारी मात शक्ति, हमारी बहनें, हमारे टीचर्स, हमारे संस्कार भारती, सहकार भारती, हमारे हिंदू महासभा से सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और ये तो कम है, हो सकता है झांसी के घर घर से एक एक आदमी निकल के आए, क्योंकि ये शोषण व्यापारियों का शोषण है, ये जो शोषण है, जिस समाज सेवी का शोषण है, वो हर आदमी का शोषण है जो दूसरे की हेल्प कर रहा। अगर उन लोगों को ये डर है, वो तहसीलदार साहब कह रहे हैं सबके सामने, कह रहे हैं लोकल आदमी, लोकल हमारे ऊपर दबाव था, उन माननीय से ये पूछना चाहते हैं लोकल दबाव किसका था? और अगर उन्होंने 90,000 फुट जमीन की तो 81,000 घर से दे रहे, या किस बात का हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे? जो हमने गलत काम किया ही नहीं उसको तत्व रखते हुए लाखों की रिकवरी हमारे ऊपर कुर्की के आदेश किस वजह से दिए जा रहे हैं? सिर्फ इस बात का ज्ञापन देने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो शोषण आज मेरा हो रहा है, जो हमारे भाई बहन, हमारे व्यापारी, किसी का भी ना हो, क्योंकि इस तरह के ब्लेम लगाना गलत है। सबसे पहले रजिस्ट्रार से पूछा था कितने की रजिस्ट्री, उसने बताया इतने की, अपन स्टाम्प देते, उसके बाद एक प्रक्रिया है कि स्टाम्प ड्यूटी इन पर बढ़ा दी जाए। चलो भैया, गलती कोई तो होती है, बढ़ा दो कोई बात नहीं, लेकिन इससे बड़ी बात तो ये है कि 9,090,000 फुट जमीन, आप ये सोचो, मतलब जहाँ पे लाइबिलिटी अगर आपको 10-20-25,000 की आ रही, वहाँ पे 25 लाख की कर दी गई। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए आपको कार्रवाई करी क्या? भाई साहब, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, मुझे जिंदा रहने दो, इन माननीयों से मैं माफी चाहता हूँ, मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन सेवा करना जब तक जिंदा हूँ तब तक नहीं छोड़ूंगा, इस बात का मैं वचन देता हूँ जनता के सामने।